हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय ब्यूटी किचन डायरीज में आपका स्वागत है। आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं मिक्स वेज की रेसिपी। तो एक बार और शेयर करी थी, पर ये थोड़ी इजी है और झटपट से बनने वाला मिक्स वेज है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या होटलों में जैसे बनता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और खाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मिक्स वेज बनाने के लिए हमने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं, जो आपको सब्ज़ी पसंद हो आप वो ये ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है गोभी, और गोभी हमने हाफ गोभी का फूल काट लिया है, और एक से डेढ़ यहाँ पे आलू लिया है और इसे कट कर लिया है। थोड़ी सी हमने मूली ली है एक, और उसको भी इस तरह से कट किया है। एक गाजर ली है और एक कैप्सिकम ली है, वही जो हमने अपने घर पे उगाई थी। और यहाँ पे हमने आधी कटोरी मटर ली है, यहाँ पे फ्रोज़न हमने मटर यूज़ की है। आपके पास अगर फ्रेश हो तो वो भी ले सकते हैं। और सब सब्जियों का साइज़ एक ही रखना है, क्योंकि सब्जियों को एक साल करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर एक ही साइज़ की होंगी, एक साथ ही सब फ्राई कर लेंगे और एक साथ ही इनको हम गला लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन सबको फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई को करते हैं गरम। और यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया है गरम होने के लिए। तो ऑयल गरम होते ही हम इसमें वेजीज फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। तो ऑयल यहाँ गरम हो गया, तो सबसे पहले आलू डाल देंगे और आलूओं को फ्राई करेंगे। और आलू के साथ ही हम गोभी भी डाल देंगे। और आलू और गोभी को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और आलू और गोभी में 1 पिंच के करीब हमने हल्दी डाली है, ताकि अच्छे से कलर आ जाए फ्राई करते टाइम। तो इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा आलू और गोभी को ही हमें गलाना होता है ना, तो इसलिए इसे हम थोड़ा सा ढक देते हैं और फ्राई होने देते हैं। और इसे थोड़ा सा ढककर हम फ्राई कर लेते हैं बाकी सब। तो हमने 1 से 2 सेकंड तक अच्छे से फ्राई कर लिया है फुल फ्लेम पर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, और ऐड करेंगे मूली, और ऐड करेंगे शिमला मिर्च, और इन सारी वेजीज को हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई। और मिक्स वेज की रेसिपी हम पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, इस बार थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। जैसे हलवाई बनाते हैं ये, जैसे शादियों में खाया जाता है, तो आपको ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसे भी हम 2 से 3 सेकंड तक ढककर फ्राई होने देते हैं, ज़्यादा हमें नहीं करना है। और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और निकालने से पहले हम इसमें डाल देंगे मटर, और मटर को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ताकि मटर भी अच्छे से हमारी जो है गल जाए। और अब इसको हम ढककर कुक कर लेते हैं 1 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से जो है सब में इक्वली कुक हो जाए। और सबका हमने साइज सेम रखा है, और सबको हमने काटते टाइम सेम साइज़ में काटा है, ताकि इक्वली ये कुक हो साथ में और अच्छे से। तो चलिए 1 मिनट के बाद दिखा। 1 मिनट हो चुका है, गैस की फ्लेम हमने कर दी है ऑफ, और इन सब्जियों को अब हम निकाल लेते हैं। हमने वेजीज को निकाल लिया है सारी, और इसी तेल में, बचे हुए तेल में हम लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा जीरा लिया है, 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून राई, थोड़ी सी 1 पिंच हींग ली है, 1 प्याज हमने चॉप कर लिया छोटा, हमने 4 से 5 लहसुन की कली ली है जिन्हें हमने चॉप करा है, 2 हरी मिर्च ली है। तो चलिए तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑयल तो गरम है ही, तो हमने इसमें डाल दिया है, और अच्छे से हम राई को और जीरे को और हींग को अच्छे से भून लेते हैं। और अब हम डाल देंगे लहसुन, और लहसुन को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लहसुन को भी अच्छे से चटका लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे प्याज और हरी मिर्चे, और अच्छे से प्याज को हम इसमें फ्राई कर लेंगे और भून लेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक।
ही झटपट से बनने वाली हमारी सब्जी है। और आपको पिछली बार जो बनाई थी उसमें टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और बहुत कुछ लगा था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगना है, बस हमारी झटपट से बनकर रेडी हो जाएगी। और प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गई है तो सारी वेजीज हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी वेजीज को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पे वेजीज हमारी वैसे फ्राई करने में ही गल गई हैं, पर थोड़ा सा हम सॉल्ट और हल्दी डालकर इसे हम रख देते हैं थोड़ी देर गलने के लिए। हाफ टेबल स्पून के करीब हम हल्दी डाल देंगे और वन टेबल स्पून के करीब हमने नमक डाल दिया है और अच्छे से हम इनको हम मिक्स कर देते हैं और ढक कर 5 से 10 मिनट तक इसको छोड़ देते हैं। और ढक कर इसे 5 मिनट तक हम कुक कर लेंगे, क्योंकि हमारी वेजीज ऑलरेडी फ्राइड है इसलिए हम 5 मिनट तक कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली बिना फ्राई करे सब्जियां डालेंगे तो आप 8 से 10 मिनट तक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और सब्जी को हम अच्छे से चला देते हैं, क्योंकि सब्जियां नमक के डालने के बाद पानी छोड़ती हैं और देख सकते हैं आप हमारी सब्जी तो वैसे भी गली हुई है। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार डाल देंगे मिर्च, तो मिर्च आप थोड़ी कम डालिएगा, यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून मिर्च डाली है। एक इतना बड़ा हमने एक स्कूप डाल दिया है धनिया और मिक्स करेंगे। और बाकी हमने क्या क्या लिया है वो भी देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है भुनी हुई, थोड़ा सा अमचूर पाउडर लिया है और मैगी मसाला लिया है 1 टेबल स्पून है सब, और डाल दिया है और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैगी मसाला ना हो तो आप किचन किंग भी ले सकते हैं या गरम मसाला ले सकते हैं, चाट मसाला ले सकते हैं, इट्स अप टू यू जो आपको पसंद आए, इट्स टोटली अप टू यू जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे खाने में आप वो डाल सकते हैं। और बस इन सबको मिक्स करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, 1 मिनट तक ढककर कुक करेंगे और उसके बाद सर्व करके दिखाती हूँ मैं। तो 1-2 मिनट तक कर लेते हैं कुक, उसके बाद सर्व करते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, धनिया की पत्ती डाल दी है, अब हम सर्व करेंगे। और ये हमने सर्व कर लिया है और देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी है। और इस फेस्टिव सीज़न आप बना सकते हैं ये सब्ज़ी और खिलाइए, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है जैसे होटल में बनती है, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसी बनी और सबको पसंद आएगी। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पूड़ी के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो झटपट से बनने वाली तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसी बनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के अल्लाह हाफिज़।